मजी अब संस्कारों की बात न करें तो ही अच्छा है। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊँ खाने में। मला जी बोली, पूछ तो ऐसी रही है जैसे रोज हमसे ही पूछ कर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। मला जी जबान तो कैची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसी ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता, ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। रूपा बोली, माँ जी अब मेरी संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज की विवाह को इतने साल पूरे हो चुके, 10 साल तक जो भी नहीं किया रूपा ने, बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननन पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि एक साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को बुरूपा ही बुरी लगी। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा सिद्धू ने पैसे चुले कर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे औदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सारा देकर जाते। माला जी को जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता, कह कर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इसे घर का काम नहीं होता। कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी, खूब जवाब देती छोटी की बहू पर मजाल है। उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था, इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने सब कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, उनकी विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननंद को। बच्चे भी उसकी विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था, उसी के सहारे वो माला जी के करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोल कर पी रही। 1 साल पहले ननंद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, रूपा ने एक बात समझ ली थी, आज जितना जुल्म सहेंगे लोग उतना ही हम पर जुल्म करेंगे। जिस दिन अपने आवाज़ उठाई उसी दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या, कब से घंटी बज रही है, भेरी हो गई है, दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम अब इस समय सब ठीक तो है ना। सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी। सोनम रोती हुई छिड़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। माला जी सोनम सब ठीक तो है, रात की इस वक्त तू अकेली आई या दामाद जी भी साथ हैं। सोनम माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को इसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा
जा अपके अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। आज के बाद माला ची गुस्से से इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी हाँ हाँ तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी, जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है। रूपा माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें तो बोलिए सोनम क्या बात हुई। सोनम फपक कर रोने लगी, भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है, आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना, आपके जीजा जी बरस पड़े। कहते दिखता नहीं माँ जी की तबीयत कितनी खराब है, तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूँ। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारी अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं, मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म फूट गए, एक बीमार औरत एक कंजूस पति कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ। मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना गुस्सा सुनाया भाभी, मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछती हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी ये क्या बोल रही है तू, एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है, यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं, और माँ जी आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत, माँ जी ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती, इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम, मैंने इससे कहा कितनी छोटी है मुझसे, उन्होंने ये कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत कहा जीजा जी ने, पता है आपको जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन पिताजी बीमार हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है, अब लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ की माँ जी के ताने भी सहे, लगता है बाँच ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली, तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, मैंने कह दिया आपके भैया से समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, आपका फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपकी भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई,
दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छी सी जानती होगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? अब बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेहनता प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलती ही दौड़ती हुई आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रही थी रूपा भाभी, सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी नहीं पूरी कर पाता, बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपा मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका, आराम से यहीं रहिए, किट्टी पार्टी कीजिए। सोनम क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं भी कितनी ना समझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। अब नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, अब दुनिया की बेस्ट भाभी हो रूपा। अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। सोनम छेप गई, तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी अरे माला ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया है। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना मान चुकी थी, दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट कर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई, जिस प्यार के लिए वो तरस बरसों से तरसती आई थी आज वो इसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, आज रूपा बहुत खुश थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।